सेवानिवृत्त होने के बाद आप लोगों की क्या स्थिति रहेगी, उसके लिए आपका कोई प्लान है? क्या आप मांग करेंगे कि आपको भविष्य में पेंशन दी जाए? नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूं राजा भैया। शिक्षक सम्मान समारोह और शिक्षण गुणवत्ता को लेकर के आज की खास मुलाकात हमारे साथ होने जा रही है अध्यापक संयोजक कल्याण सिंह कौरव के साथ। हमारी आज मुलाकात, आज हम तमाम मुद्दों पर लेकर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े हैं अध्यापक संयोजक दबोह क्षेत्र से कल्याण सिंह कौरव जी। कल्याण सिंह कौरव जी, आपकी जनता न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद पाल साहब। सर, आपने जो अभी आपका कार्यक्रम 19 जनवरी को जो आपका कार्यक्रम आयोजन होने जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह जी मुख्य अतिथि हैं, भिंड कलेक्टर छोटे सिंह जी उसमें शामिल होने जा रहे हैं, तो ये पूरा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? लंबे समय से पलसा हमारे शिक्षक साथियों के बीच में एक चर्चा चलती थी कि कोई ऐसा भव्य कार्यक्रम कराया जाए जिसमें हम शिक्षा विभाग की अपनी बात को वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष, माननीय मंत्री जी के समक्ष रख सकें और जो शैक्षणिक वातावरण है उस वातावरण को बेहतर बनाने के लिए मध्य प्रदेश शासन का जो प्रयास है, माननीय कमलनाथ जी का और मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी का, तो उनके सपनों को साकार करने के लिए, उनकी इच्छा के अनुरूप शैक्षणिक वातावरण तैयार करने के लिए एक कार्यक्रम रखा जाए। तो सभी साथियों ने आपस में विचार विमर्श किया। लाहौर से भी हमारे वरिष्ठ शिक्षक सहभागी बन रहे हैं, कार्यक्रम की रूपरेखा तय कर रहे हैं। सभी ने बैठ कर के विचार किया, चूँकि लाहौर मध्य में पड़ता है इसलिए लाहौर क्षेत्र के रौन विकास खंड के सभी शिक्षक साथी एकजुट होकर के, पिछले लंबे समय से शिक्षा विभाग में एक वातावरण था, उन्होंने कहा ये निकाय के हैं, ये अध्यापक हैं, ये शिक्षाकर्मी संवर्ग के हैं, लेकिन पहली बार ऐसा अवसर 20-25 साल में देखने को मिल रहा है कि सभी संवर्ग के साथी एकजुट होकर के शासन की इच्छा के अनुरूप वातावरण तैयार करने के लिए एकजुट होंगे, अपनी बात को रखेंगे और उन वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश को सुनाएंगे कार्यक्रम में। सर, दर्शकों को ये जानना चाहते हैं, ये आपका कार्यक्रम कितनी तारीख को होने जा रहा है, कौन कौन से अतिथि इस कार्यक्रम में शामिल होंगे? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया पाल साहब ने। ये कार्यक्रम 19 तारीख को 11 बजे शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लाहौर के प्रांगण में आयोजित होगा। उसमें मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन मंत्री माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी, जो मध्य भारत की शान है, वो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। साथ ही सामान्य कलेक्टर महोदय, सामान्य अपर संचालक लोक शिक्षण सामान्य DS कुशवाहा जी, आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय, आदरणीय संयुक्त संचालक महोदय, सभी लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। और साथ ही कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे हमारे संवर्ग के संरक्षक महोदय सम्मानीय नरेश सिंह चौहान जी, डॉक्टर अमित प्रताप सिंह जी जो IFFCO के डायरेक्टर हैं, युवा चेहरा हैं, साथ ही उदय प्रताप सिंह जी सेंगर जो कोऑपरेटिव बैंक के प्रशासक हैं, वो कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। इसी प्रकार से ये कार्यक्रम चले। कल्याण सिंह जी, क्या आप बताएंगे कि ये कार्यक्रम में क्या क्या रूपरेखा आपने तैयार की है, क्या क्या इसमें कुछ मिलने वाला है? देखिए राजा भैया जी, सबसे पहले तो क्या है कि एक साल से माननीय कमलनाथ जी के शासन काल में जो तमाम कर्मचारी हितैषी निर्णय लिए गए हैं, चाहे सातवां वेतन हो, कर्मचारियों के लिए इलाज की सुविधा जो शासन ने अभी अभी प्रदान की है समस्त कर्मचारियों को, और तमाम प्रकार की समस्याएं थी, उन समस्याएं जो लंबे समय से कर्मचारी यूनियन संघर्षरत थी, उनका निदान आदरणीय कमला जी सरकार में हुआ है। तो हम सब का फर्ज बनता है कि ऐसे जनहितैषी कर्मचारी हितैषी सरकार के नुमाइंदों का हम सम्मान करें। इसी कड़ी में
हम सौभाग्यशाली हैं कि इसकी शुरुआत लाहौर क्षेत्र से हो रही है और हमारे ऐसे नेता के क्षेत्र से हो रही है जिसकी आहट पूरे मध्य प्रदेश में जाएगी और एक सकारात्मक माहौल देखने को मिलेगा। कल्याण सिंह जी, आप जैसा कि आपके सवालों के मुताबिक शिक्षकों को सातवां वेतन वार मिल रहा है और दूसरा जो शिक्षक अपने घरों से बिछड़े थे, अपने परिवार से बिछड़े थे, उनका परिवार से मिलन हुआ है और वो अपने घर आए हैं वापस लौट करके। तो ऐसे में शिक्षकों का भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी शिक्षकों के ऊपर है कि शिक्षा को लेकर एक बड़ी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। तो अब शिक्षा की सुधार को लेकर के क्या आप आगे तैयारी करने वाले हैं? बिल्कुल, बहुत सकारात्मक सोच के साथ आपने ये प्रश्न किया है कि चूँकि 1998 से जो शिक्षा कर्मी संवर्ग में जो भर्ती हुई थी, 98 से लेकर के अभी तक 2019 तक निरंतर संघर्ष किया कि जो अपने परिवार से काफ़ी दूर थे उनकी पोस्टिंग सुदूर क्षेत्रों में की गई थी, किसी भी तरह से वो स्थानांतरण नीति एक बनाई जाए, वो वापस आ जाए। लेकिन इस सपने को साकार किया है इस सरकार ने, तो अब हमारा धर्म और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें, क्योंकि सरकार ने बहुत कुछ, मैं तो ये कहूँगा सब कुछ दिया है। लगभग सातवां वेतन मिल रहा है, मनचाही पोस्टिंग मिल गई है लोगों को, तो अब हमारा फर्ज बनता है कि पूरे मनयोग से मन लगा करके बेहतर शिक्षा दें और मध्य प्रदेश में एक मिसाल कायम करें कि अगर कहीं विद्यालय देखना है आपको, शैक्षणिक गुणवत्ता देखना है, तो लोग बाग पूरे देश से मध्य प्रदेश में अध्ययन करने के लिए आएँ। ऐसी भावना है हमारे नेता की, सरकार की, तो निश्चित रूप से सभी साथियों से मेरी अपील है कि वो बेहतर शैक्षणिक वातावरण बनाने में सहयोग करें, जुट जाएं। दूसरा एक सवाल है, हम देखते हैं शिक्षकों की स्थिति क्या होती है कि उनको हमेशा चुनाव में जोत दिया जाता है, उनको तमाम निकायों के चुनाव में ड्यूटी दे दी जाती है, हमेशा व्यस्त रखा जाता है, तो ऐसे में उनको पढ़ाने का समय कम मिल पाता है। तो ऐसे में आप अपने इस कार्यक्रम में क्या ये आवाज़ वहाँ तक पहुँचाएंगे जिससे कि इस समस्या का समाधान हो? हाँ, निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रश्न है आपका और इस पर निश्चित रूप से विचार होना चाहिए। राष्ट्रीय महत्व के जो कार्य हैं उन कार्यों में संलग्न हैं और कार्य करते हैं पूरी तन्मयता के साथ में, लेकिन कुछ छोटे मोटे काम ऐसे हैं कि जो तमाम अमला उपलब्ध है उसको लगाया जा सकता है और अति महत्वपूर्ण होने पर ही तमाम प्रकार के माननीय न्यायालय के भी इस संबंध में स्पष्ट निर्देश हैं कि अति आवश्यक होने पर राष्ट्रीय महत्व के कार्य होने में ही शिक्षकों को लगाया जाए, अन्यथा उनको ना लगाया जाए। तो मैं इस बारे में ज़रूर विचार होना चाहिए शासन स्तर पे कि अति आवश्यक होने पर ही शिक्षकों से शिक्षा पढ़ाने के अलावा अन्य कार्य लिया जाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इससे कहीं ना कहीं प्रभावित होती है, शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित होती है, तो इस पर तो होना चाहिए विचार जी। हमारा अगला सवाल है शिक्षकों की ओर से ही सवाल है, मुझे उम्मीद है कि 19 जनवरी को आप इस प्रश्न को आवश्यक रूप से अपने बिंदु में जोड़ेंगे। सेवानिवृत्त होने के बाद आप लोगों की क्या स्थिति रहेगी, उसके लिए आपका कोई प्लान है? क्या आप मांग करेंगे कि आपको भविष्य में पेंशन दी जाए? हाँ, ये तो लगभग पूरे देश में एक इस तरह का माहौल कर्मचारियों के अंदर तैयार हो रहा है कि पूर्ववर्ती भारत शासन के एक निर्णय से पेंशन जो बंद कर दी गई, ओपीएस की जगह एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम जो लागू है वो कर्मचारी हितैषी नहीं है। ये चूँकि पूरी तरह से पूंजीवादी बाजार व्यवस्था पर आधारित ये पेंशन नीति है और कई हमारे साथी जो है सेवानिवृत्त हुए हैं, पता लगा किसी को 800 रुपये पेंशन मिल रही, किसी को 1000 रुपये पेंशन मिल रही है। तो जो आदमी संपूर्ण अपना जीवन शासकीय सेवा में गुजार देता है, बुढ़ापे में अगर उसका कोई साथ देने वाला होता है तो वो है पेंशन। उस पेंशन पर ये तो बहुत बड़ा कुठाराघात है और निश्चित रूप से अपेक्षा रहेगी कर्मचारी हितैषी, और मैं तो ये कहूँगा कि राजनीति से लोकनीति की ओर जो कदम मध्य प्रदेश शासन ने बढ़ाया है उसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी जोड़ते हुए देश के लिए एक आदर्श उदाहरण बने कि मध्य प्रदेश विधानसभा में माननीय सदस्य इस
विषय को रखें और एक नियम पारित करें भारत शासन के लिए कि पुरानी स्कीम बहाली के लिए प्रयास जरूर होना चाहिए। शिक्षकों की राय जानना चाहते हैं कि शिक्षकों का नज़रिया आपकी जनअदालत न्यूज़ के साथ किस तरह का है और आपकी जनअदालत न्यूज़ के माध्यम से जो सटीक जानकारी है उन तक पहुंच पा रही है नहीं पहुंच पा रही है, तो इस संबंध में हमारे आज विश्लेषण के रूप में सजग शिक्षक के रूप में आज कल्याण सिंह कौरव जी हैं। राजा भैया जी, पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ क्योंकि हम सब क्षेत्रवासियों को बहुत ही गर्व है कि हमारे बीच में एक ऐसी सखियत उभर कर आई है जिसने संपूर्ण अंचल को एक पहचान दिलाने का काम आपकी जन अदालत न्यूज के माध्यम से किया है। समय समय पर कई ज्वलंत समस्याओं को आपने पटल पर रखा है, शासन प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया है, सकारात्मक बात रखी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपेक्षा करूंगा कि निरंतर आपकी ये न्यूज़ चैनल उन्नति करे। साथियों से अपेक्षा है इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसके माध्यम से तमाम प्रकार की जो दिक्कत परेशानियां हैं उनका समाधान एक नई सोच नई पहल के साथ सभी लोग जुड़ें। धन्यवाद।